एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 चेक वेदर 6^n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कि हमें ये चेक करना है कि 6^n जो n है, क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है 6^n वाला जिसमें आपका डिजिट क्या है 0 और वो भी एंड में, फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए 0। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट 6^n एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमने क्या सपोज किया कि हाँ 6^n जो है उसके एंड में 0 डिजिट हो सकता है अगर कोई भी नेचुरल नंबर n हो। ठीक है, अब कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 होगा तो इसका मतलब वो नंबर या तो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 90 हो सकता है, 340, 5600, 7000 कुछ भी नंबर ले सकते हो। अब लास्ट में 0 कह रहे, लास्ट में 0 लिया तो इसका मतलब आप 320 लो, 550 लो। ठीक है ना, अब जो भी नंबर जिसके एंड में 0 होगा वो इसका मतलब 2 और 5 इन दोनों का मल्टीपल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जिसके एंड में 0 होगा वो 10 का डिविजिबल होगा, अगर वो 10 का डिविजिबल है तो वो 2 और 5 के टेबल में आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। तो हमने क्या सपोज किया कि 6^n एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो मैंने क्या बताया कि वो नंबर 6^n अगर लास्ट में 0 है तो किसका डिविजिबल होगा 2 और 5, 10 का होगा तो 2 और 5 का होगा ही होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है 2 × 3। क्यों चेक कर रहे हैं, हमने ये बताना है कि 6^n जो है वो उसके एंड में 0 हो सकता है या नहीं। तो हमने क्या किया, 2 और 5 का डिविजिबल था यानी 10 का, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 × 3। तो 6^n उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 × 3^n। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन 6^n है वहां पे आपका 5 नहीं आ रहा है, 2 × 3 आ रहा है, 2 × 5 नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमने जो सपोज किया था 6^n कैन एंड विद द डिजिट 0 इज रॉन्ग, वो गलत है। क्यों नहीं हो सकता वो, क्योंकि 5 का डिविजिबल 6^n नहीं आया इसलिए। तो देयरफॉर 6^n कांट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।